बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि डबल डाई मशीन वो चलाते हैं तो पता नहीं करता है, तो प्रेशर कैसे दे, प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है तो पता नहीं क्या डाई पे डाई बैठ जाता है, डाई टूट जाता है, तो प्रेशर को एडजस्ट करके कैसे रखें। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर को कैसे एडजस्ट किया जाता है और कहाँ से एडजस्ट किया जाता है। ये डबल डाई की मशीन है और इस मशीन में जो है इसको प्रेशर बोलते हैं, चकोड़ा बोलते हैं, अनेकों नाम से जो है इसे अलग अलग जगहों पे जो है पुकारा जाता है। हम लोग इसको चकोड़ा भी बोलते हैं और प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इसी से एडजस्ट होता है, छोटा बड़ा डाई जो भी होता है यहीं से एडजस्ट होता है। ये जो लगा रहता है ये क्रेंक के ठीक निचली भाग में जो है लगा रहता है और इसके नीचे यहाँ पे डाई रहता है। तो प्रेशर यहाँ से बढ़ाया घटाया कैसे जाता है, तो देखिए पेपर प्लेट मशीन में अगर बड़ा डाई ऊंचा डाई रहता है तो क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं। पतला डाई प्लेट का रहता है तो प्रेशर बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं कि इसको इतना ज़्यादा कस देते हैं कि ये फूल ही जाता है, और नहीं तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि क्रेंक घूमता ही नहीं। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर डाई लगा हुआ है आपका, तो देखिए यहाँ मैं देख सकते हैं मैं घुमा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं, देखिए ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, और इधर की तरफ हम घुमाएंगे इसको, देखिए तो ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो देखिए प्रेशर देने का मतलब हुआ कि अगर हम इधर की तरफ इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे तो प्रेशर हमारा जा रहा है, और इधर घुमा रहे तो प्रेशर जो है घट रहा है। तो क्या करना है कि जब कटिंग ना हो तो प्रेशर थोड़ा सा इसको बढ़ाना घटाना है, ये नहीं कि ज़्यादा एक ही बार कर दिए। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो नीचे से प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए ये नट बोल्ट जो है दिया हुआ रहता है। इससे जो है बहुत सहूलियत होता है, लेकिन वही बात किया जाए स्प्रिंग वाला मशीन में, तो स्प्रिंग वाला मशीन में ये प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसमें इस टाइप का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है उस टाइप का ऑप्शन रहता है कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद बात किया जाए कि अगर प्रेशर सेट करने के बाद भी पत्ता नहीं कटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके डाई में धार का प्रॉब्लम हो सकता है या डाई में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इसी कारण से जो है वो पत्ता कटिंग नहीं करता है। अब अगला बात आता है कि स्प्रिंग बार बार क्यों टूट जाता है, तो देखिए स्प्रिंग जो है इस प्रकार का आता है, और स्प्रिंग अगर इधर उधर जैसे ये देख सकते हैं यहाँ जो रड लगाया गया है, यहाँ रड को रुकावट दे दे कर लगाया गया, तो इसका स्प्रिंग क्या होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ जो है वेल्डिंग करके दिया जाता है गोल वाला रड, जिससे क्या होता है कि स्प्रिंग इधर उधर भाग जाता है, और भागने के बाद चैन उतर जाता है, चैन उतर के ये स्प्रिंग फंस के टूट जाता है। तो अगर उस टाइप का है तो आप इसको जो है फ्लाईव्हील के ठीक सामने फिक्स कर लीजिए कि वो कभी खुले ना, वो कभी टूटे ना, तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और बार बार वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको डबल डाई मशीन की जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग को जो है मैं आपको बताया हूँ। अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अगली वीडियो में उस चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर मिस्त्री की आवश्यकता हो या फिर टेक्नीशियन की आवश्यकता हो होम को किसी भी मशीन के लिए, आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन हो, डबल डाई हो, सिंगल डाई हो, तो आपको जो है आसानी रूप से जो है टेक्नीशियन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो टेक्नीशियन आपको बेल्ट सेटिंग, मशीन सेटिंग, फुल सेटिंग आपको बता दिया जाएगा कैसे सेटिंग किया जाता है, और आपको फुल ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। तो टेक्नीशियन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, टेक्नीशियन आपको हर एक ज़िले में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।